आइए आज हम लोग बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा। ये बहुत ही यम्मी लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप दही लिया है, ये 240 ग्राम दही है। और अब इसमें डाला है थोड़ा सा, आधा पानी आप इसका ले लीजिए, क्योंकि दही ऑलरेडी बहुत खट्टी है। अगर आपकी खट्टी नहीं हो तो आप पानी कम डालिएगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप पथानी से या विस्कर से इसको अच्छे से, दही की घर की बनी हुई दही रहती है, या आप मिक्सी में भी चला सकते हैं। और अब इसमें डाला है मैंने सेम एक कप बेसन, इसको भी डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें लम्स ना रहें, यानी गांठे ना रहे। ये प्रोसेस आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसको करने के बाद कम से कम जो है हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ढकने से ये होता है कि जो है जब कढ़ी बनती है ना, तो बहुत अच्छी बनती है, बेसन इसमें थोड़ा सा फूल जाता है। ये लीजिए, मैंने हम इसको तब तक ढक के रख देते हैं और पकौड़ी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं और इनको पतला पतला काट के धो के रख लिया है। देखिए इस तरीके से ये पतले पतले पीसेस होने चाहिए। तो अब हम इसमें पहले डाल देंगे हरी मिर्च, तो हरी मिर्च ऑप्शन है, आप खाते हैं तो डालिए, या आपके बच्चे खाते हैं डालिए, नहीं तो मत डालिए। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, तो पहले मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है, ये नॉर्मल चम्मच है जो हम घर पर यूज़ करते हैं। और इसको पहले मिक्स करके देख लेंगे, पहले आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। ऑलरेडी जब हम प्याज धोते हैं ना, तो उसमें पानी रहता है, इसलिए अब हमें बेसन कम लग रहा है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा बेसन और लिया है। और अब हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें हल्का सा पानी के छींटे देंगे, उसी से ये बाइंड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी देंगे ना, तो पकौड़ी जो है बनने में अच्छी नहीं लगेगी, टाइट हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बस इस तरीके से पानी का छींटा दे दीजिए और मिक्स कर लीजिए। और अब हम डालते हैं मसाले, तो पहले मैंने चुटकी भर के करीब हींग ली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्का सा नमक और थोड़ा सा जो है धनिया पाउडर डाला है। और इसको डाल के आप अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप जो है छोटी छोटी बॉल्स जैसी बना लीजिए। अब कढ़ाई में गरम कर लेते हैं और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं वो आप डाल लीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से गरम कर लीजिए। जब ये गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे पकौड़ियाँ, तो ये देखिए इस तरीके से पकौड़ियाँ छोटी छोटी आप डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से जो है जितनी पकौड़ी कढ़ाई में आए उतनी पकौड़ी आप डाल दीजिए। गैस का फ्लेम आप मीडियम हाई रखिएगा, बहुत तेज मत रखिएगा। ये देखिए अब हम इसको पलट देते हैं, तो देखिए दूसरी तरफ से ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं। नॉर्मली जैसे हम प्याज की पकौड़ी खाते हैं, आप इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से हम और भी पकौड़ी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल है वो हमने कम कर लिया है, 2 स्पून करीब जो है ऑयल रहने देंगे। अब गैस का फ्लेम आप थोड़ा मीडियम कर लीजिए। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच डाल देंगे जीरा, साबुत जीरा डाल दीजिए। और आधा चम्मच से कम हम डाल देंगे मेथी दाना, इसको आप थोड़ा सा चला लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। जैसे ही हम हल्दी डालेंगे आधी चम्मच, उसके तुरंत बाद हम 1 ग्लास पहले पानी डाल देंगे। ये प्रोसेस करने से कभी कढ़ी फटती नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बॉयल आने दीजिए, ताकि पानी का जो कच्चापन है वो हट जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, जब ये खोलने लगेगा पानी, तो जो हमने बैटर तैयार कर रखा था दही और बेसन का, वो हम इसमें मिला देंगे। लेकिन लगातार चलाते रहिएगा, ये प्रोसेस करते समय आपको लगातार इसको चलाते रहिए। गैस का फ्लेम आप मीडियम हाई रखिए और इसमें कम से कम 2 ग्लास पानी और डाल दीजिए, क्योंकि कढ़ी पकती है। कढ़ी पकने में जितनी टेस्टी बनती है, उस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। कढ़ी हमें कम से कम 45 मिनट्स तक पकानी है, तो इसलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए।
ये देखिए लगातार हम चला रहे हैं, तो जब कढ़ी खोलने लगे तब ये कढ़ी फटती नहीं है। जब आप इसको जब अगर बीच में छोड़ देंगे तो कढ़ी फट जाएगी, लेकिन आप कंटिन्यू है इस तरीके से इसको चलाते रहिए। गैस का फ्लेम उस समय तेज़ रखिएगा। ये देखिए ये कितने अच्छे से खोल रही है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर दिया है और कम से कम इसको आप 45 मिनट्स चला लीजिए। जब ये खोलने लगे तभी आप अपने नमक जो है अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। ये देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं, तो मैंने गैस बंद कर दी है और ये जो पकौड़ी हमारी थी ये हम इसमें डाल देते हैं और इसको डाल के चला लेते हैं। और पकौड़ी डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको ढक देंगे। आप कम से कम इसको 5 से 10 मिनट ढक दीजिए और तब तक हम क्या करेंगे, तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी में आप कढ़ी का तड़का डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चों को तोड़ के मैंने डाल दिया है और 2-4 कढ़ी पत्ते डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, नहीं तो ये तुरंत जल जाएगा। और अब हम इसको चम्मच से चला लेते हैं और थोड़ा सा हम पहले कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जब हम कटोरी में सर्व करेंगे उस समय भी आप थोड़ा सा ऊपर से डाल दीजिए तो और टेस्टी लगती है। ये देखिए चलिए हम इसको सर्व करते हैं। हम ऊपर से इसमें और थोड़ा ये तड़का डाल देते हैं और देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर ये कढ़ी लग रही है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है वैसे ही गाढ़ी होती जाती है। आप इसको राइस के साथ खाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए से आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।